हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त ही बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है पिजन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कोलंबा लीविया। हमारे जो पिजन वाला सेशन है, इससे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि कहा जा सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन भी इस एक टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। हमने आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, अच्छे से पता होगा कि कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेशंस कराए हैं, कई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराए हैं, तो देख ही लिया होगा। एक बार आउटलाइन दिखाते हैं आपको कि हम इसमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, हैबिट हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी देखेंगे, स्ट्रक्चर सहित चीज़ों को बहुत ही अच्छे समझने वाले हैं। क्योंकि देखो, 2 से 3 क्वेश्चन की बात होती है और सेशन को लाइंस मतलब कि एक लाइन में तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो आउटलाइन आप देख लो कि हम कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। मैंने आउटलाइन आपको दिखा दिया, अब अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक एक लाइन को समझाते हुए चलूंगी, किसी भी तरह का हेडेक नहीं लेना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पूरा सेशन देखना। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से। सो बात करते हैं, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले देखते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर पिजन को रखा गया है। इनका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। क्लास होती है एवीज, यानी कि बर्ड्स को रखा जाता है क्लास एवीज में। इनकी सुपर क्लास होती है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा क्लास के अंदर पिजन को रखा गया है। फैमिली होती है इनकी कोलम्बिडी और ऑर्डर है इनका कोलम्बिफॉर्म्स। यानी कि अब हम प्रॉपर देख चुके हैं पिजन का क्लासिफिकेशन, क्योंकि कई बार तो हमसे फैमिली पूछ ली जाती है, कभी हमसे ऑर्डर पूछ ली जाते हैं, तो हमको बहुत ही अच्छे सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखना है, जो कि हम देख चुके हैं। एक बार आपने स्पेलिंग ठीक कर लेना वर्टिब्रेटा की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, अब हम बात करते हैं जो कोलम्बिडी हमारी फैमिली है, ये बर्ड फैमिली होती है जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ पिजन एंड डोव्स। इस फैमिली में, जो कोलम्बिडी फैमिली, इसमें 2 एनिमल्स आते हैं, एक तो है हमारे पिजन है और दूसरे हैं डोव्स। ये दोनों ही बर्ड्स को इसमें रखा गया है। इट इज़ द ओनली फैमिली, ये सिर्फ एक सिंगल फैमिली है जिसका ऑर्डर होता है कोलम्बिफॉर्म्स। यानी कि जो हमारे पिजन हैं वो कोलम्बिफॉर्म्स ऑर्डर में रखे जाते हैं, ठीक है। दीज आर स्टाउट बॉडीज बर्ड, यानी कि थोड़े हैवी से होते हैं। आपने देखा हो कबूतर थोड़े, मतलब उनका जो धड़ वाला पार्ट होता है मोटे से होते हैं, विद शॉर्ट नेक, जिनकी गर्दन छोटी होती है, एंड शॉर्ट स्लेंडर बिल्स, इनकी चोंच को बिल्स बोला जाता है, तो इनकी बहुत मतलब पैनी सी चोंच होती है। दैट इन सम स्पीसीज फेदर फ्लैशी सीड्स, इनकी बॉडी में सीरीज पाए जाते हैं जो कि हेड हॉरिजन प्रेजेंट होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर लिए हैं ताकि समझ बेहतर हो सीरीज क्या होते हैं, मैं स्ट्रक्चर में आपको अच्छे समझाऊंगी, इसलिए मैंने आउटलाइन आपको दिखाई थी। अब बात करते हैं इनके हैबिट, मतलब कि फीड किस पर करते हैं। दे प्राइमरली फीड ऑन, सबसे पहले तो ये फीड करते हैं सीड्स पर, यानी कि बीजों को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, एंड प्लांट्स को खाते हैं। कहा जा सकता है कि प्रॉपरली हर्बीवोर होते हैं, लेकिन कि सब स्पीसीज ऐसा नहीं होती, कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं, मतलब मांसा नहीं कह सकते, थोड़े इंसेक्ट्स को खाते हैं, वॉर्म्स को खाते हैं, कुछ स्पीसीज इनकी ऐसी भी हैं, आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। अब हम बात करें जो पिजन है, इसका फूड हैबिट क्या होते हैं। जो पिजन होते हैं, इनके फूड हैबिट हैं, जो मेन कंपोनेंट होता है इन पिजन फूड हैबिट इज सीड्स एंड इज ऑल्सो वेरीज ग्रेटली बिटवीन द स्पीसीज। यानी कि ये हर एक स्पीसीज में वेरी कर सकता है। मैंने बताया था अभी आपको कि कोई स्पीसीज तो ऐसी हो जो कि प्रॉपर हर्बीवोर होते हैं, कोई स्पीसीज ऐसी भी हो सकती जो इंसेक्ट्स को फीड कर सकते हैं, तो ये वेरी करता है स्पीसीज के बीच में। मेनी टाइप्स ऑफ ग्राउंड फीडिंग, जो ग्राउंड फीडिंग यानी कि जो अनाजों को खाते हैं जो हमारे पिजन, उनको ग्रैनिवोरस स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे थे जो कि फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, कुछ इंसेक्ट को खाते हैं, और कुछ छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। तो इनकी अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग तरीके का फीडिंग प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनका देखा जाता है एशिया रीजन में, जिसमें कि हमारे इंडिया भी इंक्लूड होता है। आपको पता ही होगा एशियाटिक रीजन में कौन कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक सी बातें होती हैं। यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका, इन रीजन्स में पिजन्स को देखा गया है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, इनके आउटलाइन जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि इनकी जो बॉडी होती है, द बॉडी स्पिंडल शेप, बेलन आकार की होती है। साइज जो होता है इनकी बॉडी का, वो वेरी करता है 20 to 25 सेंटीमीटर, यानी कि 20 से 25 सेंटीमीटर तक की इनकी बॉडी की लेंथ होती है। बॉडी जो होती है, बॉडी डिविजिबल इंटू, बॉडी जो बटी हुई होती है हेड में, नेक में, ट्रंक में, एंड टेल रीजन में। यानी कि इनकी बॉडी 4 हिस्सों में बटी हुई होती है, और वो हिस्से कौन कौन से हैं, हेड है, नेक है, ट्रंक है, और टेल है। मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी का हिस्सा होता है, ज़्यादातर क्लोथ इन फेदर्स, पंखों से, जो इनके पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, उनसे ढका हुआ रहता है। बिकॉज आपने खुद ने कबूतर देखे होंगे,
हमारे गांव में, खेतों में, हर जगह कबूतर पाए जाते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे कि इनकी बॉडी फेदर से कवर्ड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, अब इनकी बॉडी में हेड वाला पार्ट होता है। हमने बताया था कि बॉडी में पार्ट्स चार पार्ट में डिवाइड होती है इनकी बॉडी, हेड, नेक, टेल एंड ट्रंक। अब सबसे पहले अगर हम हेड की बात करें, हेड कैसा होता है, छोटा होता है। हेड इज स्मॉल एंड राउंडेड, थोड़ी गोल सी शेप में होता है जो इनका हेड होता है। इट इज एंटीरियरली पॉइंटेड इनटू अ शॉर्ट बी, जो कि किसमें पॉइंटेड होता है, जिससे क्या निकली रहती है, पॉइंटेड सी थोड़ी पेन इसी चौंच निकली हुई होती है। और हेड कंटेन्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, हेड में कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं हम ये भी देखने वाले हैं। तो अब देखेंगे, जैसे कि हेड में पाया जाता है माउथ, हम खाने वाले माउथ की बात कर रहे हैं। हेड में सबसे पहले पाया जाता है माउथ, जो कि इट इज़ द वाइड गैप, थोड़ा चौड़ा सा गैप होता है एट द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड, हेड के ऊपरी हिस्से पर। एंड इज सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर भी, जो खाने वाला मुंह होता है, आप ये देखिए इस तरह से मुंह रहता है खाने वाला, तो यहाँ ये ऊपर और लोअर बीक यानी कि ऊपरी चोंच से और नीचे की चोंच से घिरा हुआ रहता है। एंड बोथ द बीक्स, और ये दोनों ही जो बीक होती हैं, दोनों ही चोंच जो होती हैं, आर कवर्ड बाई ए हॉर्नी शीथ, यानी कि थोड़ा एक हॉर्नी शीथ शीट होती है, कवरिंग होती है, जिससे इनकी चोंच कवर्ड रहती हैं, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीरी की। अब मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगी कि सीरी क्या होते हैं। अब आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा पिजन है, सबने देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी ने पिजन देखे होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे इंडिया के हर रीजन में पिजन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ आई देख सकते हैं, आप यहाँ देखो कि सीरी होती है, एक वाइट सरीजन है, थोड़ा सोलन सा जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, वाइट सरीजन होता है, इसको सीरी के नाम से जाना जाता है। सीरी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं नोस्ट्रिल, जो कि एक पेयर प्रेजेंट रहते हैं, इनको नासा द्वार भी बोला जाता है। और ये होती है बीक, ठीक है, और ये है आपका माउथ, जो कि ऊपर और नीचे दोनों ही चोंच से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो तो होता है हेड वाला रीजन, ये है नेक, और ये है ट्रंक, और ये होती है टेल। समझ में आया, बॉडी चार हिस्सों में बटी हुई होती है, हेड वाला रीजन हम समझ चुके हैं। अब आप यहाँ नेक देखो, थोड़ी लंबी सी नेक होती है, और यहाँ प्रेजेंट है ये बैक, ये पूरी पीठ होती है, और यहाँ प्रेजेंट है विंग, यानी कि पंख प्रेजेंट होते हैं, और ये होते हैं विंग्स फेदर, ये होते हैं एब्डोमन, ये होते हैं इनके क्लाउड टॉयज, ठीक है, मतलब पंजे वाले, ये होते हैं हाइंड यानी कि पीछे वाले टॉयज, ठीक है, और ये होते हैं इनके पैर यानी कि लेग्स, और ये होती है टेल, और ये जो टेल पर फिदर प्रेजेंट है, इनको टेल फिदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम अपने सीरी की बात करते हैं, क्योंकि सीरी से जो है ना कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप नोट डाउन करना बहुत अच्छे से। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से नोट करना, टाइम टेकिंग सेशन नहीं है ज़्यादा, आप बोर भी नहीं होने वाले हैं। एग्जाम मैंडेटरी है कि हम अच्छे एग्जाम से क्रैक करें, तो जितने भी पॉइंट बताती हूं उनको फोकस्ड होकर एक एक पॉइंट को नोट किया करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। जितने भी सेशन मैंने अब तक दिए हैं 100% आपके एग्जाम में रिजल्ट देंगे आपको बहुत अच्छा। बस आपको करना इतना है, सेशन को लास्ट तक देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब ये जो सीरी वाला रीजन होता है, ये जो मैंने बताया था, एट द बेस ऑफ अपर बीक, ये जो ऊपर की चोंच होती है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ सीरी प्रेजेंट होते हैं, थोड़े वाइटिश से और थोड़ा फूला हुआ सा एरिया रहता है सॉफ्ट स्किन का, जिसको सीरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीरी किसमें पाए जाते हैं, क्या होता है इनका। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लेयर्स की, जो बाहर की तरफ नास द्वार होते हैं वो कैसे होते हैं। जस्ट एंटीरियर टू द सीरी, यानी कि जो सीरी वाला रीजन था उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल लेयर्स, यानी कि नास द्वार प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट एज माइन्यूट स्लिट्स, बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं ये जो नास द्वार होते हैं। अब बात करते हैं आइज़ की, इनकी जो आइज़ होती है कैसी होती हैं। आइज़ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार आई से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं बताऊँ कौन से पॉइंट पर आता है, तो नोट करते चलना। ऑन ईच लिटरल साइड ऑफ ए पेयर ऑफ प्रोमिनेंट आइज आर प्रेजेंट, यानी कि दोनों तरफ एक मतलब ए पेयर ऑफ आई प्रेजेंट होती है। ईच आई, हर एक आई प्रोवाइड करती है एक अपर एंड लोअर एक मूवेबल थर्ड आईलिड से, जो ये आई होती हैं ऊपर की और नीचे की जो एक लेयर होती है उसे कवर्ड रहती हैं, और ये जो आईलिड है इसको थर्ड आईलिड के नाम से जाना जाता है, जो कि इनके पास प्रेजेंट होती है, जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें थर्ड आई लिड किसको कहा जाता है, तो थर्ड आईलिड जो होती है इसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, जो कि इनकी बिल्कुल आई बॉल के अराउंड घूमती रहती है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके आईज वाले रीजन, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर की, ये जो अंदर वाले कान होते हैं, एक्सटर्नल ईयर जो कि बाहर की तरफ इनके कान होते हैं, ये कैसे होते हैं। दीज आर स्मॉल एपर्चर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई, आई के जहाँ आई प्रेजेंट है, आई से जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से छिद्र दो, उनको एक्सटर्नल ईयर के नाम से जाना जाता है। हर एक छिद्र यानी कि ईच अपर्चर किसमें खुलेगा, लीड्स टू ए कैनाल,
एक केनाल में खुलता है जिसको क्या कहेंगे, उसको ऑडिटरी मिएटस के नाम से जाना जाता है, जो कि उस ऑडिटरी मिएटस को बंद करने का काम करती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात आप ये देख लो कि टिम्पेनम जो होता है ये प्रेजेंट करता है प्रिजन के ईयर को, ठीक है, समझ में आया। और ईयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आँख के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं, और ये किस में खुलते हैं, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ऑडिटरी मिएटस में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं नेक के बारे में। अब हम आ चुके हैं नेक वाले रीजन पर। तो जो नेक होती है थोड़ी लंबी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, इनकी जो नेक होती है यानी कि जो गर्दन होती है बिल्कुल इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ये इट इज़ फ्लेक्सिबल नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इनका जो नेक का फ्लेक्सिबल नेचर है वो यूनिवर्सल मूवमेंट ऑफ द हेड, ये चारों तरफ अपने नेक को घुमा सकते हैं। भाई देखो, हम ह्यूमंस की जो नेक होती है इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है कि हम अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकें, लेकिन पिजन की नेक इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर चारों तरफ देख सकते हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, इवन उसी पोजीशन में ये चारों तरफ मूव कर सकते हैं अपनी गर्दन के थ्रू। नेक्स्ट हम आते हैं धड़ वाले पोर्शन। अब हम आ चुके हैं ट्रंक रीजन पर। ट्रंक जो भाग होता है इनके बॉडी का सबसे बड़ा होता है, इट इज़ ग्रेटेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे बड़ा और चौड़ा भाग ट्रंक होता है। ट्रंक की शेप कई बार पूछी जाती है तो नोट कर लेना, ट्रंक की शेप होती है इट इज़ बोट शेप्ड, नाव के आकार की यानी कि जो नौका होती है उसके आकार का इनका धड़ होता है। एट द हाइंड एंड ऑफ द बॉडी यानी कि जो ट्रंक का पीछे का रीजन प्रेजेंट होता है, हाइंड रीजन कहते हैं जो पीछे वाला भाग होता है, उस पर क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है। क्लोइकल अपर्चर जिसमें कि सारे ऑर्गन जैसे कि जिसमें डाइजेस्ट सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की ही ओपनिंग उस क्लोइकल अपर्चर के थ्रू हो जाती है। ट्रंक में यानी कि धड़ में प्रेजेंट होते हैं बियर्स ए पेयर ऑफ विंग्स, एक जोड़ी तो छिद्र, एक जोड़ी तो, अरे ट्रेन बड़ी परेशान करती है, अवॉइड करना थोड़ा सा। तो ट्रंक होती है इसमें होते हैं एक पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि एक पेयर तो विंग प्रेजेंट होते हैं ट्रंक वाले रीजन पर और एक जोड़ी पैर प्रेजेंट होते हैं ट्रंक वाले भाग में। अब बात करते हैं टेल वाले रीजन की। अब हम आगे टेल वाले रीजन पर। ये जो टेल होती है इज कॉनिकल प्रोजेक्शन, थोड़ी कोन शेप्ड, मतलब कि इस तरह की शेप्ड होती है टेल की। ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द क्लोइकल अपर्चर, क्लोइकल अपर्चर के जस्ट पीछे टेल प्रेजेंट है, ठीक है। डॉर्सली, अब इंपॉर्टेंट लाइन नोट करना, एवियन स्किन जो होती है टेल की उस पर एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। टेल पर एक एवियन स्किन पर क्या प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, एक यूरोपाइजर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तीनों ही एक ही बात होती है, ऑयल ग्लैंड आए, प्रीन ग्लैंड आए, फिर यूरोपाइजर ग्लैंड आए, एक ही बात है। किस में पाई जाती हैं, पीजन में पाई जाती हैं। कौन से रीजन में, टेल वाले रीजन में। फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीट करती हैं एक ऑयल को जो कि क्या काम करते हैं, इनके फेदर को प्रीन करने का काम करते हैं, समझ में आया, साफ सफाई करने का काम करते हैं फीदर्स की। कौन, इनकी बॉडी में जो प्रीन ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, एक ऑयल सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो कि क्या करते हैं, इनके बॉडी फेदर्स को साफ सफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं अब, और थोड़ी ड्राइनेस को भी कम करते हैं जो रीज़न होता है इनका। एक्सोस्केलेटन जो बाहर का ढांचा होता है इन बर्ड्स का, जिसमें कि बीक होते हैं, क्लाउज होते हैं, स्प्रूस स्केल्स हैं और फेदर्स हैं, ये इनकी बॉडी के बाहरी ढांचे होते हैं जो कि शरीर को ढकने का काम करते हैं, जैसे कि पंजे हों, चोंच हों, पंख हों या फिर स्केल्स हों। बीक और फेदर्स एंड अपेंडेजेस ऑफ स्किन आर हैवीली डेरिवेटिव ऑफ केराटिन। क्वेश्चन आता है कि ये बने किससे होते हैं, हमारी चोंच जो होती है पिजन्स की, पंख जो होते हैं इनके, फेदर जो होते हैं इनके, अपेंडेजेस जो होते हैं इनके, जो पंजे होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो केराटिन एक प्रोटीन है, ये उसके डेरिवेटिव है, उससे बने हुए होते हैं, याद रखना। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अरेंजमेंट है फेदर्स का बॉडी पर उसको किस नाम से जाना जाता है, तो अरेंजमेंट जो होता है फेदर्स का पिजन की बॉडी पर उसको टाइलोसिस के नाम से जाना जाता है। फेदर भी तीन तरह के होते हैं जो पिजन की बॉडी पर पाए जाते हैं, एक तो होते हैं क्विल फीदर्स, नेक्स्ट कॉन्टोर फीदर्स और तीसरे होते हैं फिलोप्लियोन्स फेदर्स। तो तीनों ही फेदर्स को नोट कर लेना, रट लेना अच्छे से, क्विल फेदर्स, कॉन्टोर फीदर्स और फिलोप्लियोन्स, ये तीनों ही फेदर के तीन टाइप हैं जो कि हमारे पिजन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पिजन का बहुत ही वेल डेवलप्ड है, जिसमें कि इंक्लूडेड है एक तो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है और एक होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्रॉप रीजन से, इसलिए हम इसको अच्छे से नोट करते चलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है पिजन की लंबी होती है, एक ट्यूब आकार की होती है और
कॉइल्ड होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वेंट्रिकल कैनाल में? इसमें माउथ भी होता है, बकल कैविटी होती है, फेरिंग्स होते हैं और ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारे ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो कि बाहर की तरफ किसके थ्रू खुलते हैं? बाई क्लोइकल अपर्चर, जो कि कहाँ प्रेजेंट था? ट्रंक वाले रीजन में। ये सारे ही ऑर्गन कहाँ खुलते हैं? मैंने बताया था ना, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन एक कॉमन ओपनिंग होती है दोनों की ही, जिसको क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ वो निकल जाते हैं। ऑल द सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉल इंटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। एलिमेंट्री कैनाल को तीन भागों में बांटा जाता है। वो भाग कौन कौन से होते हैं? जो वही फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट को एस्टोमेडियम के नाम से जाना जाता है, मिडगट को मेसेंटोन के नाम से जाना जाता है और हाइंडगट को प्रोक्टोडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, ईसोफेगस या फिर क्रॉप, ईसोफेगस में क्रॉप पाए जाते हैं, क्रॉप ग्लैंड्स ईसोफेगस में पाई जाती हैं, जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए समझना। ईसोफेगस जो है, या फिर जिसको ग्लट भी बोल देते हैं, ये एक लंबी वाइड डिस्टेंसिबल, एक बहुत ही मोटी सी वॉल्ड की एक ट्यूब होती है, जो कि बैकवर्ड थ्रू द नेक टू जॉइन अ लार्ज डायलेटेड रिजर्वोर और क्रॉप, जो कि ओपनिंग होती है क्रॉप में जाकर वो खुल जाती है, जो ईसोफेगस होती है, ठीक है। इट इज ए लार्ज, बहुत बड़ी होती है, पतली सी वॉल होती है, बाइलोब्ड होती है, इलास्टिक होती है और नॉन ग्लैंडुलर रहती है, ठीक है। ये जो क्रॉप होते हैं, ये अनेबल करते हैं कि बर्ड यहाँ पे क्रॉप रीजन में क्या होता है, ईसोफेगस में क्रॉप पाया जाता है, उस क्रॉप में क्या होता है कि ये क्रॉप जो रहता है खाने को स्टोर करने का काम करते हैं एज अ टेम्पररी रीजन की तरह। मतलब कि क्रॉप में जो बर्ड की क्रॉप जो रीजन होता है उसमें क्या होता है, खाना जल्दी से स्टोर हो जाता है, जो निगलते हैं खाने को एकदम से स्टोर रहता है, फिर बाद में डाइजेशन धीरे 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 होता रहता है, जैसे हमारे कैटल्स में भी होता है, ठीक है। पहले तो खाने को जल्दी से क्रॉप में डाल लेते हैं, फिर बाद में उनका डाइजेशन आराम से होता रहता है। इट इज़, आपने देखा भी होगा, देखो हमने कभी जैसे हमारी मम्मी वगैरह धान सुखाती हैं या फिर ऐसा होता है ना कि गेहूं वगैरह सुखाती हैं, अनाज सुखाती हैं, तो पहले जल्दी जल्दी कबूतर आते हैं, सब फीड करते, जल्दी जल्दी दाने को खाते रहते हैं। अब ऐसा इतनी जल्दी जल्दी पचाते भी रहते हैं, वो क्या है कि जल्दी डाल लेते हैं, उस क्रॉप रीजन में जाकर स्टोर हो जाते हैं, वो बाद में डाइजेशन होता रहता है, बस वहाँ पर जाकर उसको टेम्परेरी तरीके से स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ स्पेशली लार्ज, ये जो क्रॉप रीजन होता है ये बड़े होते हैं किसमें? ग्रैमिनिवोरस। ग्रैमिनिवोरस कौन होते हैं? जो कि ग्रैम्स को खाते हैं, कि चना वगैरह जो हमारे अनाज होते हैं उनको खाते हैं, जैसे कि पीजन हुआ। ये जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, इनको मॉइस्ट किया जाता है और इनको बहुत सॉफ्ट बना लिया जाता है क्रॉप रीजन में। एपिथेल लाइनिंग जो होती है क्रॉप की, दोनों ही सेक्सेस में, ये सिक्रीट करते हैं एक प्रोटीन और एक फैटी सा क्रॉप मिल्क, यानी कि जो क्रॉप रीजन से, जो क्रॉप वाला भाग है ईसोफेगस का, उससे दूध निकलता है, ठीक है, जो कि दोनों ही सेक्स से निकलता है, मतलब मेल वाले से भी और फीमेल दोनों ही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इस क्रॉप ग्लैंड के थ्रू। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ उसकी एनाटॉमी का। अब आप यहाँ एनाटॉमी देखो पूरी पीजन की। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यह है नोस्ट्रिल, यह है अपर बीक जो कि ऊपर की चोंच है, यह है माउथ जो कि खाने वाला माउथ है, इसमें टंग प्रेजेंट है ये, और ये होता है लोअर बीक, यानी कि जो हमारा खाने वाला माउथ है ये अपर बीक और लोअर बीक दोनों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे खाना भाई अंदर आए इसके थ्रू, यह है गुलेट, यानी कि ओपनिंग हो रही है यहाँ पे ईसोफेगस की, खाना निकला, अब यहाँ ईसोफेगस चली आ रही है भाई। ईसोफेगस किस में खुलेगी जाके? ईसोफेगस खुलेगी क्रॉप रीजन में जाके। ये आप क्रॉप देख सकते हैं, यह है क्रॉप वाला रीजन जो कि थोड़ा वाइडेस्ट होता है, जहाँ पे अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं थोड़ी टेम्परेरी तरीके से, बाद में उसका डाइजेशन होता रहता है। अब ये जो आप क्रॉप देख रहे हैं खुल रही किस में? गिजार्ड में, स्टमक में जाके ये जो क्रॉप है खुल जाता है। स्टमक के कौन कौन से पार्ट? स्टमक के पार्ट है प्रीवेंट्रिकुलस और गिजार्ड, इन दोनों में डाइजेशन शुरू हो जाता है, खाने का पचना शुरू हो जाता है। ये रीजन आप देख रहे हैं, स्प्लीन है, ये लिवर है, ये बाइल डक्ट होती हैं, ठीक है, ये पेनक्रेटिक डक्ट हैं, ठीक है, और ये होते हैं इनके एब्डोमन हैं, ड्यूओडेनम है, ईलियम, ये एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, ये रेक्टम है और ये क्लोइका है। अब आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अब ये सारे ही ऑर्गन एक क्लोइकल अपर्चर थ्रू, ये रहा ये छिद्र कॉमन, इसके थ्रू बाहर की तरफ खुल जाते हैं, जो भी खाना पीना होता है डाइजेशन जिस पार्ट में होना होता है हो जाता है, उसके बाद सारा का सारा इस क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं, अब क्या होता है, जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आया, ब्रीडिंग सीजन हुआ, इनके बच्चे हो गए जैसे भी, तो इनके जो यंग वंस होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं, वो उस क्रॉप मिल्क के थ्रू फीड करते हैं, यानी कि दोनों ही पेरेंट्स, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब कि मेल भी और फीमेल भी दोनों ही अपने बच्चे की पेरेंटल केयर किस तरीके से करते हैं उस क्रॉप मिल्क को पिलाने के बाद, मतलब दोनों ही उस बच्चे को दूध पिलाते हैं, दोनों के पास क्रॉप ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दूध को सिक्रीट करते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं। जो पिजन मिल्क होता है इज प्रोड्यूस्ड बाई, अभी सिक्रीट कैसे होता है, ये जो एपिथेलियल सेल होती हैं जो कि लाइनिंग करती हैं क्रॉप को, वो हार्मोन्स की वजह से, कौन से हार्मोन रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है, उससे ये मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये जो हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है और कंट्रोल करता है, मतलब कि तेजी से बढ़ाएगा भी और कंट्रोल भी करेगा
पिजन मिल्क के फॉर्मेशन को। अब पिजन मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पिजन मिल्क में 65 to 81% वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन केसिन प्रेजेंट होता है 13 to 18%, फैट प्रेजेंट होता है 6 to 12%, और लैक्टोज जो कि शुगर है उसमें 1.5% लैक्टोज प्रेजेंट होती है इनके मिल्क में। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, हम गाय के दूध को कितना नरिशिंग मानते हैं, इनफैक्ट हैवी, और जबकि इट इज़ मोर नरिशिंग देन द काउज मिल्क, जबकि हमारे गाय के दूध से भी ज़्यादा नरिशिंग कौन सा दूध होता है? जो कबूतर वाला दूध होता है, मतलब जो पिजन का मिल्क होता है, ये बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग माना जाता है। जो पिजन मिल्क होता है इसमें 35% ऑफ फैट होता है इन कंपेरिजन टू गाय के मिल्क से, ठीक है, जो इनके यंग वंस होते हैं इस पर फीड करते हैं और फिर पिजन मिल्क इससे यंग वंस को पिला देते हैं ये अपने। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इनमें सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट होते हैं भाई, मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही पेक्यूलियर सा होता है, जिसमें कि एक लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्टिव फंक्शन होते हैं, सिर्फ उन्हीं का रोल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल वाले में, ठीक है। स्ट्रक्चर लिए हैं आगे, राइट ओवरी जो रहती है और ओविडक्ट जो रहते हैं ये एट्रोफिटेड होते हैं एडल्ट, मतलब ज़्यादा रोल नहीं होता है। लेफ्ट ओवरी लार्ज होती है और अंडे कंटेन करने का काम अलग अलग साइज के जो अंडे होते हैं इसी ओवरी में कंटेन रहते हैं। अब एक बार आप स्ट्रक्चर देखें, वहाँ आप समझ जाएं कौन कौन से ऑर्गन्स में यूज हो रहे हैं। देखो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल का और ये है मेल का। ओविडक्ट फनल है, ये ओवरी है, ओविडक्ट है, मेजर ट्यूबुलेरियम है और ये आपका यूरेटर है, ये किडनी है और ये इनके ओविडक्ट हैं। ये जो पार्ट है आपके सारा ये कंप्लीट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये सारे के सारे पार्ट कंटेन होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव कंप्लीट करते हैं। अब आप यहाँ टेस्टिस, किडनी और यूरेटर देख रहे हैं, वास्ट डिफरेंसेस, वेसिकुलर सेमिनिलिस और क्लोएका के थ्रू ओपनिंग हो रही है, ये सारे के सारे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि किसको कंप्लीट करते हैं? मेल के रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कराने में मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी हमने बात की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं, दो तो टेस्टिस हैं और दो वास डिफरेंशिया होती हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बिल्कुल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, इनसेमिनेशन होता है जब, तो उसके थ्रू क्या होता है स्पर्म्स को इजेक्ट, स्पर्म को डाल दिया जाता है किसमें, फीमेल के ट्रैक्ट में, जिसमें कि वो ट्रेवल करते जाते हैं उसके एग तक पहुँच जाते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स कैसे मोटाइल होते हैं, अब एक बात याद रखना, आपने देखा भी होगा ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके जो अपने एग्स को रखने काम, थोड़ी जो खंडर सी ज़मीनें होती हैं, थोड़े पुराने घर हो जाते हैं जहाँ अंधेरे ज़्यादा होते हैं, उस जगह पर अपने अंडे को रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलसी से होते हैं ये अपने घोंसले बनाने में, घोंसले वोसले नहीं बनाते हैं, खाली जगह मिल जाती है अंधेरे बंधेरे वहाँ ये रख देते हैं। दो एग होते हैं जनरली, एक टाइम पर ये दो एग निकालते हैं, टू एग आर जनरली लेड एट वन टाइम इन फीजन, फीजन में आपने देखा दो ही अंडे निकालते हैं ज़्यादातर, व्हाइट कलर के आपने देखा होगा। दीज एग आर इनक्यूबेटेड, इन अंडे को इनके पेरेंट्स देते हैं कम से कम 38 degrees to 48 degrees के टेम्परेचर पर। डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो इनके यंग बर्ड उस सेल को, एक शेल में रहते हैं वो कवर जो होता है अंडे वाला बाहर का, उसको तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और फिर इनको नरिश करते हैं वो कैसे, अपने दूध को पिलाकर। अब वो दूध कौन सा होता है? क्रॉप ग्लैंड क्रॉप मिल्क, ठीक है। तो सारा के सारा सेशन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी क्वारी आप इसके रिगार्डिंग हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।